जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AU पाठशाला में दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे जो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल है। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2022 के बारे में बात करेंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने भर दिया, चाहे आप इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ते हो या उसके एफिलेटेड कॉलेज में, जैसे CMP, ISDC, ADC, SS खन्ना या किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो क्या आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में कब आएगी, इसमें बताएंगे आपको, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ इनकी जारी हो चुकी है, कब आएगा पूरी जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपने यह गलती की है तो आपका तो लिखा गया है, तब आपको अंत में बताते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर 2022 इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट हो गई है। GK की, हिंदी की सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए ज़रूर। तो चलिए समझते हैं हम कैंपस में और एफिलेटेड कॉलेज में स्कॉलरशिप जो है वह कब खाते में आपके आएगी, पूरे डेट के बारे में बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया स्कॉलरशिप सस्पेक्टेड लिस्ट। जानिए कब आएगा आपके खाते में स्कॉलरशिप। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर गौरवपूर्वक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए गए छात्रों का फॉर्म को समाज कल्याण विभाग भेज दिया है। तो जो स्कॉलर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो आपके फॉर्म आपने भरे थे उनको समाज कल्याण विभाग में भेज दिया है। उसका लिस्ट कुछ दिन पहले जारी किया था, मतलब जब भेजे थे उसका लिस्ट उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जारी किया था। तो चलिए आगे और समझ लेते हैं, जो एकदम डिटेल से हम समझते हैं उसको। तो गौरवपूर्वक यहाँ पर देखिए कब आएगा स्कॉलरशिप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्कॉलरशिप लिस्ट को समाज कल्याण विभाग के पास भेज दिया है। समाज कल्याण विभाग जिला के स्तर पर वेरिफिकेशन कराने के बाद आपके खाते में स्कॉलरशिप भेजने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किसको भेजा, समाज कल्याण विभाग को भेजा। अब ये समाज कल्याण विभाग यदि वेरीफिकेशन करा देंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिला स्तर पर, तो आपके जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ ही दिनों की बात है, आप 15 से 20 दिन के बाद आपके जो सभी वेरीफिकेशन हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद आपके खाते में जो भी पैसे हैं, आपके जो भी स्कॉलरशिप होती है, वो आपके खाते में आ जाएंगे। चाहे आप BA के हो, चाहे UG के हो, या मतलब या UG के हो या PG के हो, आपके खाते में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका आपकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे जितनी भी हो। तो देखिए, यह मान लीजिए 15 से 20 दिन या 25 दिन लग सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप आने में। तो ज़्यादा मतलब धैर्य बनाए रखें, आपका स्कॉलरशिप आएगा। यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फिक्स ही आएगा आपका। और आपने क्या गलती नहीं की है, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है भाई, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। यदि आपने मतलब ऑनलाइन कराएं और आवेदन कराने के बावजूद भी आपने इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यदि नहीं दिया है फॉर्म को, नहीं दिया है उसकी हार्ड कॉपी नहीं दी है, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो यह रहा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो यह है, हमने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दें इसके बारे में कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा। तो ये रहा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा वीडियोस उपलब्ध रहती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो तुरंत अपलोड की जाती हैं इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में, यदि कोई प्रश्न है इससे संबंधित उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।